बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स वन PSL 7 स्पेशल। एक और मुकाबला बहुत कांटे का इस वक्त जारी है, क्वेटा ग्लैडिएटर बमुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बनाए 199 रन और उसके जवाब में क्वेटा ग्लैडिएटर अब ज़्यादा पीछे नहीं है, लेकिन सिर्फ 7 गेंदों का खेल बाकी है और उनको बहुत कम रन चाहिए, 8 रन ही चाहिए क्वेटा ग्लैडिएटर को जीत के लिए। जब हमने प्रोग्राम शुरू किया उस वक्त की रुदात थी, उमर अकमल आउट हुए, 27 रन उन्होंने बनाए 8 गेंदों पर और बहुत दिलकश छक्के भी उन्होंने लगाए। अब 6 बॉलें हैं और 7 रन दरकार हैं क्वेटा ग्लैडिएटर को इस कामयाबी हासिल करने के लिए। क्वेटा ग्लैडिएटर ने बड़ा अच्छा आगाज़ किया जेसन रॉय और एहसान अली ने, और पहले पावर प्ले में, इनफैक्ट एक ही पावर प्ले होता है T20 में। आज ही मेरी बात हुई थी तो फवाद पहुँच चुके हैं लाहौर और अब खेलने के लिए वो तैयार हैं और हमसे बात करने के लिए भी तैयार हैं। वो प्ले ऑफ्स में उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ पे भी बात करेंगे और प्ले ऑफ में ज़रा सी थोड़ी सी सूरत हाल क्लियर होगी। तो फवाद अहमद इज़ अनदर वन हु वेंट फ्रॉम पाकिस्तान एंड प्ले फॉर ऑस्ट्रेलिया, लाइक इमरान ताहिर लाइक यूँ किसी तरह से आप कह सकते हैं उस्मान ख्वाजा भी पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान में पैदा हुए, पिंडी में पैदा हुए। अच्छा, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिस पर आपको भी कमांड है, आप भी बात करना चाहते हैं, मैं भी बात करना चाहता हूं, लेकिन मेरा प्रोड्यूसर बात नहीं करने देता। अच्छा, वो कहता नहीं, खत्म हो गया प्रोग्राम। वो आपको कल का पूरा दिन दे रहे हैं, कल का पूरा एक घंटा देंगे आपको। जी, घंटा, कल का घंटा भी हमारे लिए होगा शायद कम, क्योंकि कल है मुकाबले 2, जिसमें पहले पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा कराची किंग्स से, उसके बाद लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबलों का अहवाल आपको बताएंगे हम कल 11 बजे के अपने प्रोग्राम में। मैं और शुएब मोहम्मद साहब, उस वक्त के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।